क्योंकि हम सुबह जल्दी उठे थे और मेरे बेटे को थोड़ा सा अलकस ही आ रही थी। तो ये है कि रात को हमारे को कंपनी की तरफ से मेल आई है, तो मैं आपको जरूर जरूर आपको जो दिखाऊंगा जो हमारे प्रोडक्ट वहाँ पर बनते हैं उन प्रोडक्ट में कुछ ऐड होने जा रहा है। तो यहाँ पार्किंग करना तो बहुत रिस्की वाला काम होता है। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, वहीं हम सफर जिंदगी के साथ। आज हम अपने यमुनानगर जा रहे हैं, वहाँ पे हमारा अपना बिजनेस है और उसको आज देखने के लिए जा रहे हैं कि वहाँ क्या प्रोग्रेस चल रही है और क्या काम हो रहा है। आओ आपको भी लेके चलें और आप भी एंजॉय करें। माइंड द स्पीड बम्प व्हाइल ड्राइविंग। अब हम पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, ये लाल बत्ती हो गई है इसलिए हमें थोड़ी देर यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लाल बत्ती क्रॉस कर चुके हैं हम, अब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाएंगे। चालीस लीटर टोटल टैंक में आया है, फुल हो चुका है, अब आगे के लिए हम निकल रहे हैं। अब हम यमुनानगर के रास्ते पे आगे आ चुके हैं। अब यमुनानगर हमारा 65 किलोमीटर रह गया यहाँ से, और हमारा क्या बिजनेस है यमुनानगर पे पहुँचने पे आपको मैं दिखाऊंगा। और स्टाफ की हम वहाँ पर मीटिंग लेने जा रहे हैं, स्टाफ का क्या काम है उनको समझाने जा रहे हैं। अब हम यमुनानगर के रास्ते पे आगे आ चुके हैं। अब यमुनानगर हमारा 65 किलोमीटर रह गया यहाँ से, और हमारा क्या बिजनेस है यमुनानगर पे पहुँचने पे आपको मैं दिखाऊंगा। और स्टाफ की हम वहाँ पर मीटिंग लेने जा रहे हैं, स्टाफ का क्या काम है उनको समझाने जा रहे हैं। जो हम स्टाफ की मीटिंग लेने जा रहे हैं वो वजह ये है कि रात को हमारे को कंपनी की तरफ से मेल आई है, जो हमारे प्रोडक्ट वहाँ पर बनते हैं उन प्रोडक्ट में कुछ ऐड होने जा रहा है, तो उसके कारण उनको हमें समझाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा वो प्रोडक्ट कैसे बनता है। जिस मीटिंग के लिए हम जा रहे हैं वो प्रोडक्ट फेस्टिवल पर लॉन्च होगा और वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो के ज़रिए से, और आपको भी तभी पता चलेगा क्योंकि वो अभी प्रोडक्ट ऐसा है कि कंपनी अभी शो नहीं करना चाहती, तो मैं आपको ज़रूर ज़रूर आपको जो दिखाऊंगा। बस यमुनानगर 45 किलोमीटर दूर रह गया है।
और मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मेरे साथ ये भी चल रहे हैं साथ, ये कंपनी के ओनर भी हैं और हर वीडियो में आपको ये जरूर मिलेंगे। और ये मेरा बेटा है, इसका नाम तुषार वर्मा है। अब हम इंद्री शहर पहुंच गए हैं। कर रहे हैं हम, पानी फुल भरा हुआ है। हनुमान जी मेरे को बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि यहाँ छोटी सी जगह पे इतना अच्छा मंदिर बना हुआ है। अब मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठे थे और मेरे बेटे को थोड़ा सा अलकस सी आ रही थी, तो मैं अब ड्राइव कर रहा हूँ। वो साथ की सीट पे बैठा हुआ है और आगे ब्लॉगिंग भी वही थोड़ा सा संभालेगा। अभी हम जिस रोड पर हैं वो करनाल लाडवा वाले रोड पर हैं, और अभी रोड तो बिल्कुल खाली पड़ी है, कोई भी रश नहीं है। थोड़ा सा पोल्यूशन ज़रूर है लेकिन रोड साफ है, थोड़े से पैचेस भी हैं और सीनरी बहुत अच्छी है, व्यू ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते ना बेकार है ना ज़्यादा अच्छे हैं, बट हाँ अच्छे हैं। बाकी आप सिनेमेटिक शॉट एंजॉय करिए थोड़े से। पॉल्यूशन के कारण विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है, बट मौसम साफ है इसलिए थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है। अभी यहाँ से लाडवा का रास्ता सिर्फ 5 किलोमीटर का रह गया है, और अब यहाँ से डबल रोड से सिंगल लेन रोड पर हम आ चुके हैं, और इस रोड पर ही बहुत ज़्यादा पैचेस होते हैं और स्पेस भी नहीं है साइडों में कि कोई पार्किंग कर सके, तो यहाँ पार्किंग करना तो बहुत रिस्की वाला काम होता है, क्योंकि इस रोड पर बहुत बड़े बड़े ट्रक चलते हैं एंड इस वजह से यहाँ पे जो रोड की कंस्ट्रक्शन है वो चलती रहती है हर टाइम, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रहती है, रश भी रहता है इस रोड पर, जिससे गाड़ी की एवरेज भी मेंटेन नहीं हो पाती है। ये जो पूरा 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है लाडवा तक का, ये सिंगल रोड में ही रहता है, कुछ डबल और फिर कुछ
आगे चल के लाडवा ने अपनी लिए डबल रोड बना रखी है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4 लेन क्लोज अहेड। तो अब हम यहाँ से सिंगल रोड से अब हम डबल रोड पे आ चुके हैं और अब लाडवा यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर रह गया है टोटल। आप देख सकते हैं यहाँ इस रोड पे इतने बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं जिससे एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है और ओवरलोडेड ट्रक्स होते हैं जिसमें अभी दिन में तो इतनी कोई परेशानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन रात को इसी सिंगल रोड पे बहुत प्रॉब्लम रहती है। और रात को तो अभी पोल्यूशन भी रहना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि इस टाइम पे जो फसलें वो जलाए होती हैं इन्होंने किसानों ने, सॉरी फसलें नहीं होती है वो पराली होती है जो जलाई जाती है। तो अब हम लाडवा सिटी में एंटर कर चुके हैं, अब यहाँ से हम यमुनानगर के लिए और निकल गए। अभी यहाँ से जो यमुनानगर का रास्ता है वो 30 किलोमीटर ही बाकी है, हमें तो राइट साइड जाना है यमुनानगर के लिए इस चौक से। यहाँ का फेमस चौक है लाडवा का और इस साइड से हमारा कुरुक्षेत्र साइड जाता है और हम राइट साइड जा रहे हैं अपने यमुनानगर के लिए। अभी बीच रास्ते में पहले रादौर आएगा उसके बाद यमुनानगर आएगा। तो हम लाडवा सिटी से निकल के हम अब रादौर साइड पर जा रहे हैं और यहाँ से रादौर सिर्फ 7-8 किलोमीटर दूर रह चुका है और यहाँ पे जो रोड है वो सिंगल रोड है और बीच में पैचेस भी आ रहे हैं कुछ। तो मैंने अपने दोस्तों सुना था कि वो कह रहे थे यहाँ की जो रादौर की सड़क है वो भी बहुत अच्छी होने वाली है, सीमेंटेड सड़क वो बन रही थी। तो अभी रादौर आते ही देखते हैं कि कैसी सड़क बन चुकी है वहाँ पे, क्योंकि पहले तो रादौर की बहुत बुरी हालत थी, कभी कभार यहाँ पे तो ट्रक भी पलटे रहते थे जिससे एक्सीडेंट होने का भी खतरा होता था, बहुत गहरे गहरे खड्डे भी थे। अभी रादौर आने ही वाला है, इसके बाद हम देखते हैं कि रादौर की जो सड़कें हैं वो कैसी है, सीमेंटेड हैं या प्लेन सड़कें हैं, देखते हैं हम। तो अब हम रादौर के अंदर एंटर हो चुके हैं, अभी सड़क तो साफ लग रही है लेकिन साइडों में अभी काम थोड़ा सा बाकी है, टाइलिंग का काम हो रहा है साइडों में और बीच में डिवाइडर्स भी बन रहे हैं जिससे एक्सीडेंट ना हो। दोनों साइड डबल लेन रोड है और सीमेंटेड रोड है, रोड तो अच्छी बनाई है। मुझे लगता है पहले जो रादौर का रास्ता था वो हम 1 घंटे में पूरा कर पाते थे, अब वो हम कुछ 10 या 15 मिनट के अंदर पूरा कर सकेंगे। अब जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी, अभी तो थोड़ा बहुत रश भी है इस पे, बीच में कुछ डिवाइडर भी बाकी है बनाने और बाकी साइडों की कंस्ट्रक्शन तो चल ही रही है, आपको मैं दिखा ही रहा हूँ इस वीडियो में। कुछ जगह तो टाइलें लग चुकी है और कुछ जगह पर भी बाकी है टाइल लगनी और ये कुछ मशीन्स खड़ी हैं जो कंस्ट्रक्ट कर रही है यहाँ पे रोड। अभी हम रादौर के बस स्टैंड के पास पहुंचने वाले हैं, इसके बाद फिर हम रादौर सिटी से आगे निकल के यमुनानगर की ओर बढ़ जाएंगे आगे। इधर एक मोड़ था इसलिए थोड़ी सी भीड़ थी, बाकी तो साइड में बहुत सारी ग्रीनरीज है यहाँ पे क्योंकि साथ में खेत भी है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड पे छोटे छोटे गांव आ रहे हैं और रोड अब
जाके थोड़ी सी अच्छी होनी स्टार्ट हुई है यहाँ की, नहीं तो पहले तो रादौर जाने में ही हमें कम से कम एक घंटा लग जाता था। तो अभी हम यमुनानगर के आउटर पर हैं। ये वाला जो अभी हमने हाईवे पे है, ये सहारनपुर से अम्बाला तक का हाईवे है और अभी हम यहाँ से राइट लेंगे। तो इस रास्ते से हम पहली बार जा रहे हैं यमुनानगर की साइड, बट यहीं से अभी फिलहाल कंटिन्यू ऑन करंट रोड फॉर अबाउट 5 किलोमीटर्स। यहीं से बसेस भी जाती हैं और अभी मोस्ट प्रोबेबली सारे लोग इसी रूट को यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा इजी भी है और शॉर्टकट भी पड़ता है यमुनानगर के अंदर जाने के लिए। तो ये सिंगल रोड है और छोटी सी रोड है और ओवरटेकिंग तो नहीं हो पाती, बस आमने सामने से थोड़ा सा साइड देना पड़ता है एक दूसरे को। और यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी है और जो पेड़ ऐसे झुके हुए हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि कोई टनल सी जा रही है पेड़ों की। तो व्यू तो बहुत अच्छा है इस सड़क का। तो ये सारी यहाँ पे ग्रीनरीज है, खेत है, कुछ रेजिडेंशियल एरिया भी है यहाँ पे और ये तो छोटा सा गांव आ रहा है। रास्ते तो ठीक है, ऐसे नहीं है कि खराब है, बस गांव के एरिया में थोड़ा सा एंटर होते ही यहाँ पे पैचेस आ जाते हैं क्योंकि सीमेंटेड सड़क है और यहाँ पे स्लो भी चलानी पड़ती है। अभी यमुनानगर का मार्केट वाला एरिया आ चुका है और यहाँ से जो यमुनानगर का मेन सिटी सेंटर रह गया है वो यहाँ से सिर्फ 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को रश मिलना स्टार्ट हो चुका है। रास्ते पर यही एक प्रॉब्लम है कि बीच में अगर बड़े व्हीकल आ जाए तो उनको थोड़ा सा साइड देना पड़ता है, बाकी तो रास्ता सही है। अभी हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे यमुनानगर बस स्टैंड के लिए और ये वाली जो रोड है वो रेलवे वर्कशॉप रोड है। यमुनानगर के बस स्टैंड वाले चौक पर आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही भीड़ है क्योंकि चौक पे भी रेड लाइट हो रही है इसलिए। हमें तो यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है तो भी रेड लाइट का वेट कर रहे हैं। और अपने हरियाणा रोड वालों को देखो, इनको ज्यादा कुछ जल्दी रहती है, रेड लाइट हुई, ग्रीन लाइट हुई नहीं, पहले ही चल दिए। रश तो बहुत है आज फिलहाल मार्केट में, तो देखते हैं आज मार्केट में घूम के थोड़ा सा।
अगर मॉल भी हो पाया, अगर टाइम रहा तो मॉल भी चलेंगे। In 300 meters, the destination is on your right. जैसे आप सुन ही चुके हो कि डेस्टिनेशन मेरी आ चुकी है, कुछ ही दूरी पर है। I'm in sync with the earth, 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, let her ties in the hearse. I've been on a vibe kinda hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the middle with a time of my life. I'm never so packed for the stack. You have arrived at your destination. Your route guidance is finished. ये हमारा बिजनेस है, स्टोर का नाम है द बेल्जियम वेफल। मैं अब आपका अंदर का टूर दूंगा। अब हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम सफ़र ज़िंदगी के साथ।